हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको लहंगे के लूम्स बनाना बताने वाली हूँ। लहंगे के लटकन जो बड़े साइज़ के होते हैं वो बनाना बताने वाली हूँ। तो मेरे पास अपने लहंगे का जो कपड़ा बचा हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। मेरे पास ये फेब्रिक ग्लू है और रेडीमेड डोरी जो आती है ना वो ली हुई, और यहाँ पर ये वाली गोटा पट्टी लेस जो आती है ना मैंने वो ली, और मेरे पास मोती और कुंदन पहले से रखे हुए थे इसलिए मैं इनको भी इसके अंदर लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा था ना वो मैंने ले लिया, एक 4 इंच का लिया है, दोनों ही साइड से 4-4 इंच, फिर 3.5-3 इंच, फिर 3-3 इंच, सिर्फ 1.5 इंच का इनके अंदर फ़र्क है और दोनों ही साइड से बराबर है इनकी लंबाई और चौड़ाई। और ये ट्रायंगल शेप के मैंने 3 यहाँ पर फैब्रिक कट किए हैं। ये आप 3 इंच का चौकोर कपड़ा लेकर उसके अंदर से कट कर सकते हो, बहुत इजी, मैंने पहले से ही कट कर लिया। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी थी। तो वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला पीस मैंने कट किया था ना उसको यहाँ पर, इसकी जो सीधी साइड है ना वो दोनों को अंदर की साइड करना, उल्टी साइड को दोनों साइड से बाहर करना। और ये वाली जो लेस थी ना मेरे पास, इसको मैं इसके जो ये लेस का जो ये शेप नहरा निकला हुआ इसको अंदर की साइड करना है, अंदर के साइड पे रख कर फिर उसके बाद में मैं इसको सिल लूँगी। और इसे मैं सिर्फ नीचे के साइड पे ही लगाने वाली हूँ, ऊपर के साइड पे नहीं। तो यहाँ पर रख कर सबसे पहले मैं इसके अंदर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर ये मेरा सबसे बड़ा वाला पीस है तो इसके अंदर मैं यहाँ पर 2 डोरी लगाऊंगी ताकि नीचे के साइड में मेरे 2 और लगने वाले हैं। यहाँ पर अगर चाहो तो आप सिलाई से भी पूरा बनाने के बाद में लगा सकते हो, पर यहाँ पर अपन पहले से अगर अंदर से लगा देते तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग वाला दिखता है, इसलिए लेस के नीचे रख कर यहाँ पर इस तरीके से मैं अंदर के साइड रख कर इसका एक साइड जो है वो मैं खुला रखूँगी, इसलिए अंदर के साइड रख कर यहाँ पर इसे सिलाई लगा लूँगी। लेस लगा कर इसे नीचे के 2 साइड पर मुझे लेस लगानी है, बस जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से अगर आप भी बनाओ तो फिर इसी तरीके से लगाओ। इसे कट कर लूँगी, दोनों ही डोरी मैंने लगा ली। इसको पहले मैं आपको सीधा करके बता देती हूँ कि कैसा है। ये ऐसा हो गया, यहाँ से 2 डोरी मेरी निकली हुई है, ताकि यहाँ पर अभी मैं 2 नीचे के इस तरीके के और बनाने वाली हूँ, मैंने कट किए थे आपने देखे ही थे, तो इसी तरीके की मैं 2 और बनाऊँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डोरी लगा ली है। दोनों डोरी लग गई, उसके बाद में अब इसका जो ये वाला साइड है ना मैं इसको भी सिल लूँगी, क्योंकि मैं इधर के साइड वाला एक साइड अपना खुला रखूँगी और इसकी जो ऊपर के साइड की डोरी है ना उसको भी यहाँ पर पीछे की साइड रख कर लगा लूँ। यहाँ पर इस डोरी को भी मैंने इसके अंदर रख कर यहाँ पर इसे लगा लिया है। अब मैं इसे सीधा करूँगी, उसके बाद आपको ठीक से समझ में आएगा कि मैंने ये डोरी क्यों और कैसे लगाई, मतलब किस लिए लगाई। अब इससे ना किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसके कोने निकाल लें पहले तो अच्छे तरीके से, इस तरीके से आप किसी भी नुकीली चीज़ से इसके कोने निकाल लें ताकि कोने अच्छे से निकल जाएंगे, उसके बाद ही वो अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर ये मैंने निकाल लिया है। अब आपके पास अगर वो हल्की वाली कॉटन जो आती है ना, लाइलन की रुई जो आती है कॉटन, इसका यूज़ करें लूम्स बनाने में, अगर भारी वाली का ना करें, क्योंकि वो भारी होती है तो उससे आपके लूम को टूटने का या फिर वो ठीक से शेप में भी नहीं आ पाती, इसलिए ये वाली हल्की वाली लाइलन की रुई का यूज़ करें कॉटन का। तो ये मैंने यहाँ पर इसके अंदर भर दिया। आप चाहो तो आप कपड़े की कतरन भी भर सकते हो, यहाँ पर कपड़े को फोल्ड इस तरीके से करके और पूरे में यहाँ से पूरे में सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। पहले मैं इसके अंदर पूरे में सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे 2 और आएंगे, एक छोटा एक बड़ा वाला। ये इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको रखूँगी, जिस तरीके से मैंने उस वाली लेस को अंदर रखा था और 2 हिस्सों पर नीचे के साइड पे से लेस लगाई थी, उसी तरीके से मैंने इसके ऊपर भी हूँ इस तरीके से लेस को लगा लिया है। पर इसके अंदर हमें डोरी नहीं लगानी है, डोरी नहीं लगानी जैसे उसमें लगाई थी वैसे नहीं लगानी है। इसे हमारा ये वाला भी तैयार हो गया बन के, अब इसके जो साइड की सिलाई ना हम वो लगा लेंगे, साइड की सिलाई लगाएंगे तो सबसे पहले। उसके बाद में ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो हमने 2 डोरी नीचे की साइड लगा निकाली थी ना, एक हमें इसके अंदर लगानी है, जो इससे छोटा वाला है ना उसके अंदर हमें छोटी वाली डोरी लगानी है, और जो सबसे छोटा है उसमें बड़ी वाली डोरी लगानी है। इस तरीके से यहाँ पे ये वाली डोरी भी लग गई, तो ये हमारी डोरी अंदर की साइड से निकली हुई होगी ना तो थोड़ी अच्छी दिखेगी, क्योंकि अगर हम बाहर से लगाएंगे तो वो हाथ से लगाई हुई सिलाई अलग ही दिखेगी, इसलिए मैं इसे बता रही हूँ आपको। यहाँ पर हमारी जो कॉटन है उसको हम अपने इसके अंदर डाल लेंगे, फैब्रिक के अंदर डाल लेंगे, जैसे पिछले वाले में डाला था उसी तरीके से डालकर और यहाँ ऊपर की साइड से उसे फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करके हम इसे सिलाई लगा लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके।
यहाँ पर मैंने इसके अंदर भी सिलाई लगा ली, इसके अंदर धागे निकल रहे हैं उसे भी कट कर ले। सेम इसी तरीके से जो सबसे वाला है उसको भी नीचे की साइड मैंने यहाँ पर लगा लिया है। इस तरीके से सेम एक ही तरीके से हमें पहले यहाँ पर इसके अंदर सबको लगाना है, उसके बाद में अब हमें ये जो हमारे ट्रेंगल शेप का जो कपड़ा मैंने कट किया था ना, फेब्रिक कट किया था, उसको इस तरीके से हमें उल्टा रखना है। उल्टा रख कर हमारी जो लेस है ना उसके कोने बाहर की साइड निकलने चाहिए, ऐसे लगानी है। इसको आप ध्यान से देखिए तो ही आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर पहले इसको रख कर इसके अंदर सिलाई लगा ली, यहाँ पर मैंने इसे रख कर इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद में हम इसे सीधे साइड पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे लगाया। और उसका कपड़ा भी अपने आप ही मतलब इसे फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर स्टिच कर लूँगी, उसके बाद में ये मैंने इसको कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हो गया है और इसके धागे भी निकलेंगे, और इसको अब इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सीधे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे, इस नुकीली चीज़ से करेंगे ताकि वो मतलब अच्छे से हो जाए। तो हो गया, इसके धागे जो हैं वो कट कर लेंगे। और इसे तीन मैंने बनाए ताकि मेरे तीन है ना, इन तीनों में लगाने के लिए जो मेरे पास मोती रखे हुए थे तो इस मोती का भी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। मैं सोची थी पहले मैंने डोरी लगा दूँ इसमें, पर डोरी नहीं, मैंने सोचा मोती है तो उससे और अच्छा लगेगा, इसलिए इसके अंदर सुई को अंदर की साइड से लेकर यहाँ पर दो तीन टाँके मार लेने ताकि वो अगर गठान खुल भी जाए ना तो आपकी धागा नहीं निकले। यहाँ पर आपको मोती गिन कर डालने हैं कि तीनों में आप कितने कितने मोती डालोगे। तो मैंने सबसे पहले वाले में 9 मोती डाले थे, तो इसके आगे के जो तीन हैं मैं उसमें भी 9-9 मोतियों को डालूंगी। तो गिन कर मोती डाले तो वो बराबर रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से डाल लूँगी। उसके बाद में यहाँ पर क्या सबसे इन तीनों में ही मैं लगाने वाली हूँ। तो एक में पहले मैं एक में आपको लगा कर बता देती हूँ, फिर उसी तरीके से इन दोनों में भी लगाना है जिस तरीके से इसमें लगाऊँगी। यहाँ पर इसे सेम इसी कलर के धागे से अगर लगाएंगे तो धागा बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। इस तरीके से मोती लगाने से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इस तरीके से इसे अच्छे से पक्की सिलाई लगा लूँगी, मतलब पक्का धागा कर लूँगी ताकि वो निकले नहीं और ज़्यादा कस के इसको खींचना या कुछ करना नहीं, नहीं तो ये निकल भी सकता है। और यहाँ पर जिस तरीके से मैं इसे लगा रही हूँ ना, उसी सेम तरीके से इन तीनों में मुझे इसको लगा देना है। इस तरीके से आप देख सकते हो इस तीनों में मैंने लगा लिया है। यहाँ पर इन तीनों में आप देख सकते हो मैंने लगा लिया। और मेरे पास जो मैंने आपको कुंदन दिखाए थे ना शुरू में, उसको मुझे यहाँ पर कुंदन को ऐसे सबदूर फैब्रिक ग्लू लगाना है और सिर्फ सिंपल कुंदन को चिपका देना है। अब आपके तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो मैंने सिर्फ सिंपल इस तरीके से यूँ लगा लिया है। यहाँ ऊपर की साइड आप देख सकते हो एक साइड लाइनें जो मैंने बनाई है वो कुंदन सीधे रख कर बनाई है, और इसके ऊपर जो कुंदन चिपका है ना वो उल्टे रख कर चिपका दिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरे लटकन है वो बनकर रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको लटकन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा लटकन बनाया हुआ कैसा लगा। और वीडियो अगर आपने पूरी देखी हो तो उसके लिए थैंक यू।